भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी इसलिए बोल रहे हैं कि इनने इलाका में काम किया। कल हम एक जगह थे तीन चार दिन पहले, वहां इनको लेना देना ही नहीं है किसी से, लेकिन वो भी कह रहे थे कि वो जी आपकी निशानी यहां पे भी है। ये होता है जब आप पावर में होता है तो कहां कहां, जब ग्रास रूट लेवल पे आदमी जो हो उसको सियासत में नुकसान नहीं होता। मैं अब आऊंगा अपनी पार्टी की तरफ जिसका मैंने भी हाथ थामा है। मुल्क अगर मुल्क है तो हम भी हैं, अगर मुल्क नहीं तो हम भी नहीं। आज आप मुल्क की तरफ देखिए और मुल्क का रहनुमा जिसको दुनिया चाहती है और उसने मुल्क को पकड़ा हुआ है और मुल्क को कहां पहुंचा दिया है। आज हमारी बीजेपी पार्टी और उसके क्यादत जो मुल्क में कर रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, आप देखिए ये 370 और 35 ऐसे नहीं हटा है। आज आप लोग सुख की सांस ले रहे हैं और इसमें जो भी चीजें हैं जैसे थ्री टायर सिस्टम है जो पढ़े लिखे लोग हैं समझते हैं। मैं इतने दो बार पंचायतों के इलेक्शन करवाए और सरपंच तक ही रह गया, एक बार करवाए तो फिर सरपंच तक रह गया, लेकिन ये लोग जब हमारे पावर में आए, बीजेपी पावर में आई, उस वक्त उन्होंने ब्लॉक चेयरमैन के इलेक्शन लगा उस वक्त। अब थ्री टायर सिस्टम बनना जा रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि डीडीसी को छोटी बात नहीं होती है एक मेंबर, जब वो आपके डिस्ट्रिक्ट में जाएगा 90% डिस्ट्रिक्ट का बजट जो है वो डीडीसी ऑपरेट करती है। ये आप रोडों की बात कह रहे हैं, ये आप कामों की बात कर रहे हैं, फिर की क्यादत विभोज जी जैसे नेता आपके सर पे होंगे और अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट की कमेटी होगी। 13 तारीख को जो इलेक्शन है ये जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे हैं, बाकी हिंदुस्तान में आज से 40 साल पहले शुरू हो गए थे, जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन। हमें जो हुक्मरान यहाँ पे हम पे हुकूमत करते रहे, हमें उनसे सवाल करना चाहिए कि जो हक 40 साल पहले हिंदुस्तान को मिला वो जम्मू कश्मीर में 40 साल बाद क्यों मिला। हमें उनको पूछना चाहिए कि जो हक आपने नहीं दिया वो नरेंद्र भाई मोदी ने दिया, इसलिए उसे उस हक का, उस वोट का हमें भरपूर इस्तेमाल करना है, अच्छे से इस्तेमाल करना है। आपको लगे कि हमारी बात ठीक है तो हमारे हक में इस्तेमाल करें, अगर आपको कहीं लगे कि हमारी बात ठीक नहीं है तो उनके हक में इस्तेमाल करें। इस्तेमाल तो अच्छे के लिए करना है, बुरे के लिए नहीं करना। मगर एक बात मुझे समझ नहीं आती, जब इलेक्शन आता है तभी हिंदू मुसलमान क्यों होता है? ना तो आप इलेक्शन से पहले हिंदू मुसलमान थे, इकट्ठे ही रहते थे, इकट्ठे ही बात करते थे, इकट्ठे ही खाना खाते थे, आपकी शादी सांझी, आपका मरना जीना सांझा। जैसे ही इलेक्शन आते हैं कोई हमें हिंदू बना के चला जाता है, कोई हमें मुस्लिम बना के चला जाता है। 13 तारीख के बाद किसी ने हिंदू मुसलमान की बात नहीं करनी है। प्रॉब्लम क्या है कि फारूक अब्दुल्ला साहब के घर में उनका दामाद हिंदू हो सकता है, उनकी बहू सिख परिवार से हो सकती है, उनकी बीवी क्रिश्चियन हो सकती है, उनका मजहब खराब नहीं होता, उनका इस्लाम खतरे में नहीं आता। हम एक वोट दे दें हम पे फतवा, हम एक वोट दे दें हमारा निकाह टूट जाएगा, हम एक वोट दे दें
हमारी उंगली कट जाएगी, ये काहे की बातें हैं। महबूबा मुफ्ती जी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लें तो बीजेपी अच्छी, आम आदमी बीजेपी को मुस्लिम वोट दे जाए वो खराब। ये दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, ये कोई मजहब की राजनीति नहीं है। यहाँ हम कोई कुरान शरीफ या श्री गीता का पाठ करवाने नहीं आ रहे हैं। यहाँ जो काम करेगा वो वोट ले। तीन तरह के लोग आप लोगों के बीच हैं, एक है आसिफ कटारिया साहब, एक है हमारे सऊदी अरब साहब से आए हैं एनसी के कैंडिडेट, एक हमारे मियां साहब। आसिफ जी वकालत करते हैं और साथ में पॉलिटिक्स करते हैं, तालिब साहब के दामाद हैं। तालिब साहब का एक कैरियर है पिछले 50 साल का, यह भी पिछले 20-25 साल से तालिब साहब के साथ पॉलिटिक्स करते हैं। जो हमारे एनसी के कैंडिडेट आए हैं वो जुमा 4 दिन हुए सऊदी अरब से वापस आए हैं, अच्छे पैसे कमा के लाए हैं, काफी पैसे हैं उनके पास। अगर तो दोस्तों जीत गए तो जो आसिफ साहब ने बोला जो आप बच्चों को लत डाल रहे हैं वही काम करेंगे, अगर हार गए उनको बस पकड़ी है तो दोबारा सऊदी अरब चले जाना है। हमारे मियां साहब हैं, उनके घर आगे ही, कोई पोस्ट ऐसी नहीं है जो उनके घर में नहीं है, पंच उनके घर में, सरपंच उनके घर में, नायब सरपंच उनके घर में, वीडीसी का चेयरमैन उनके घर में। अब वो कहते हैं डीडीसी का चेयरमैन भी हमको बनना है। भैया जब 6 पोस्ट आपके घर में रख के आप कोई काम लोगों का नहीं कर पाए, जाए उस एरिया में जाके भी देखें कितनी डेवलपमेंट उन्होंने करवा दी, जाके डूंगी में देख लें, ये जो भाई साहब लड़ रहे हैं इनके भाई साहब भी वीडीसी के चेयरमैन हैं, कितनी डेवलपमेंट करवा दी, जब डेवलपमेंट का पता ही नहीं, जब डेवलपमेंट का कोई कंसेप्ट ही क्लियर नहीं तो डेवलपमेंट कैसे करवानी है। डेवलपमेंट के लिए कंसेप्ट चाहिए, डेवलपमेंट के लिए अपना पेट बंद करना पड़ता है। जो भाई साहब 13.5 लाख रुपए की डूंगी में शराब पकड़ सकते हैं जिनकी, जो 13.5 लाख रुपए की शराब बांट सकते हैं, तो वो आपकी डेवलपमेंट क्या करवाएंगे, उनको तो अपनी डेवलपमेंट करनी है। भैया गुजरों को रिजर्वेशन किसने दी? मोदी सरकार। गुजरों को रिजर्वेशन किसने दी? मोदी सरकार। गुजरों को फॉरेस्ट राइट एक्ट किसने दिया? मोदी सरकार। गुजरों को फॉरेस्ट राइट एक्ट किसने दिया? मोदी सरकार। पहाड़ियों को 4% रिजर्वेशन किसने दी? मोदी सरकार। पहाड़ियों को 4% रिजर्वेशन किसने दी? मोदी सरकार। रिफ्यूजियों के अकाउंट में 5.5 लाख रुपया किसने डाला? मोदी सरकार। रिफ्यूजियों के अकाउंट में 5.5 लाख रुपया किसने डाला? मोदी सरकार। बॉर्डर पर बंकर किसने बनाए? मोदी सरकार। बॉर्डर पर बंकर किसने बनाए? मोदी सरकार। गरीबों के अकाउंट पे रुपए किसने डाले? मोदी सरकार। गरीबों के अकाउंट में रुपए किसने डाले? मोदी सरकार। कोविड में 9 महीने मुफ्त राशन किसने दिया? मोदी सरकार। कोविड में 9 महीने राशन किसने दिया? मोदी सरकार। गरीबों की पेंशन 1000 रुपया किसने की? मोदी सरकार। गरीबों की 1000 रुपया पेंशन किसने की? मोदी सरकार। लोगों के गरीब मेरी बहनों के माताओं के घर में सिलेंडर किसने पहुंचाए? मोदी सरकार। गरीबों के घर में गैस सिलेंडर किसने पहुंचाए? मोदी सरकार। गांव-गांव बिजली किसने पहुंचाई? मोदी सरकार। गांव-गांव बिजली किसने पहुंचाई? मोदी सरकार। गरीबों के लिए इलाज के लिए इंश्योरेंस 5 लाख का किसने करवाया? मोदी सरकार। गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इंश्योरेंस किसने करवाया? मोदी सरकार। साथियों इससे भी और ज्यादा है जो मोदी सरकार ने किया है, अगर मैं आप कुछ भी ना बोलूं तो आपको समझ आना चाहिए कि वोट किसको दे, वोट किसको दे। साथियों हम सावनी में बैठे हुए हैं, सावनी बड़ा खूबसूरत गांव है और इसकी खूबसूरती यहाँ पर हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी उसमें खूबसूरती को और बढ़िया करता है। यहाँ हमारे गुज्जर भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, नान गुज्जर मुस्लिम भी यहाँ पर रहता है। इस सावनी को कई वर्षों तक ज्यादती का सामना करना पड़ा, पार्टी ने मुझे एमएलसी बनाया, मैंने प्रयास किया कि सावनी में काम करूं और मैंने किया, मैंने दिल से सावनी का काम किया। चाहे अग्राती सावनी रोड की बात हो, ठीक है उसमें पुली रह गई है वो भी बनेगी, मेरा आपसे वादा है। चाहे यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स की बात हो, चाहे यहाँ पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे यहाँ पर पोल पहुंचाने की बात हो, चाहे यहाँ पर हैंडपंप लगाने की बात हो, चाहे कोई भी ऐसा काम हो जो आप लोगों के सीधा जुड़ा हुआ था, घर में जुड़ा हुआ था, मैंने करने की कोशिश की। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जम्मू कश्मीर और खासकर राजौरी पुंछ के लोगों के साथ बड़ा इंसाफ किया,
और उसने सबसे बड़ा इंसाफ गुजर समाज के साथ। 70 वर्षों से इन लोगों ने उनको उनके राइट नहीं दिए, उनको उनकी पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जिन्होंने उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, पंचों में दी, सरपंचों में दी, बीडीसी में दी, डीडीसी में दी, अब आने वाले असेंबली इलेक्शनों में भी 10 से 11 सीटें जेके यूटी में गुजरों के लिए रिजर्व होने वाली। गुजरों को फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो हमारे गुजर गांव के अंदर हमारे ट्राइब्स बैठे हुए हैं, पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, वो ट्राइब्स एक्ट पूरे देश में था लेकिन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं आने दिया। और उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जाते ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरों को फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, जिससे जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं वो अपनी जगह बैठे रहेंगे, उनके धारे ग्राही नहीं जाएंगे, उनकी बांडी ग्राही नहीं जाएगी। ये मोदी जी ने की। मेरे गुजर नौजवान जो कश्मीर में नौकरी करना चाहते थे उनको इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन करके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोक दिया, और इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन खोल के आज मेरा गुजर नौजवान पढ़ा लिखा भाई कश्मीर, जम्मू कश्मीर के किसी जिले के अंदर भी रिजर्व जो सीटें हैं उनमें जाकर वो नौकरी कर सकते। यहां 70 सालों से पहाड़ी लोग अपनी पहचान ढूंढ रहे थे, अपने आप को ट्राइब का दर्जा मांग रहे थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहाड़ियों के साथ ज़ेती की और ज़ेती करके उनको उनका दर्जा नहीं दिया, उनको उनकी पहचान नहीं दी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की नौकरियों में और प्रोफेशनल कॉलेजेस में पहाड़ियों को 4% रिजर्वेशन देकर पहाड़ियों के साथ भी इंसाफ किया, और आने वाले दिनों के अंदर उनकी जड़ी जो मांग है वो भी पूरी होने वाली। लेकिन अपनी तरफ से एक दो बातें मैं जरूर रखना चाहूंगा कि ये इलेक्शन है, जैसे तारा जी ने बोला, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का इलेक्शन है, हमने डेवलपमेंट के लिए वोट देना है। और जिस तरीके से लोगों को मदहोश करके लोग वोट लेने का एक सिलसिला चला रहे हैं, ऐसे लोगों से बचना है। क्योंकि आज अगर हम अपने वोट की कीमत लेकर उनको वोट देंगे तो उसका हशर यही होगा जो आपके साथ वाला ब्लॉक है, ये आपके इस पहाड़ी के उस पार वो ब्लॉक शुरू होता है जहां से वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन थे। और सरेआम वो कह रहे कि हमें कुछ लेना देना नहीं किसी से, हम पैसों के ऊपर वोट खरीद लेंगे, हमने फला आदमी खरीद लिया, और उससे भी जो बदतर बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि हर एक माँ बाप को अपना बच्चा बहुत अजीज होता है, आने वाली नस्लें बहुत अजीज होती है, और जिस तरीके से वो बच्चों को शराब पिलाकर आपके इस समाज के अंदर बुराइयां परवान चढ़ा रहे हैं, बुराइयों को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे लोगों से हमें बचना। इलेक्शन पिछले 70 सालों से होते आ रहे हैं लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना, खासकर राजौरी के अंदर, कि किसी कैंडिडेट ने अपने वोटर्स को मदहोश कर वोट लिया, वोटर्स को शराब पिलाकर वोट लिया, वोटर्स को पैसा देकर वोट लिया। लेकिन जो इस बार कुछ प्रैक्टिस ऐसी चल रही है, मुझे ये यकीन है कि आप लोग इसका मुंह तोड़ जवाब दो। उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स यहां पर जो एक ये भी अफवाह फैलाते हैं कि अगर वोट नहीं दोगे तो बेड़ा गर्क हो जाए, मैं आपको ये कहता हूं कि बेड़ा गर्क हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप पलूरिया पंचायत के अंदर चले जाएं, आपको खुद पता चलेगा कि बेड़ा गर्क होना क्या चीज होती है। इलेक्शन आते हैं, जब पंच का इलेक्शन आता है तो उसी घर से, जब सरपंच का इलेक्शन आता है उसी घर से, उन्हीं में से अगर नायब सरपंच बनाना है तो उसी घर से, जब ब्लॉक का इलेक्शन आता है तो उसी घर से, जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन आता है तो उसी घर से। फिर कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। ओ खुदा के बंदो, मोदी जी क्या करें। मैं अपने गुजर भाइयों से एक बात कहूंगा कि आज तो वली जाहिरी तौर पर बहुत कम है, मैं हकीकत है ये,